नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं mumbai9news.com। आइए आपको शोलापुर की एक ऐसी दरगाह में लिए चलते हैं जहां इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया है। इस दरगाह का नाम है हज़रत ख्वाजा हाजी सैफुल मलिक चिश्ती, हैदर शरीफ तालुका अक्कल कोटा डिस्ट्रिक्ट सोलापुर में दरगाह है। दरगाह में रोज़े इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था, जहाँ काफ़ी तादाद में लोगों ने अपना इफ्तार किया और आपको ज़ियारत कराते हैं दरगाह की। जब हमने वहाँ के लोगों से दरगाह के बारे में मालूमात करने की कोशिश की तो लोगों का क्या कहना था, आइए आप भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जगह हजरत ख्वाजा हाजी सैफुल मलिक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हैदरा शरीफ तालुका अक्कलकोट जिला शोलापुर, यहाँ रमज़ान के महीने में हर साल रमज़ान के महीने में रोज़े का इफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। आज सत्ताईसवां रोज़ा है। आज मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर से लोग आते हैं और गांव वाले के लिए सबके लिए इंतजाम किया गया है। ये ख्वाजा साहब का आस्थाना है। यहाँ से बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता है। हजरत ख्वाजा हाजी सैफुल मलिक के यहाँ इफ्तारी का इंतजाम, लेडीज, जेंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग आते हैं। सभी धर्म के लोगों के लिए इंतजाम किया गया है। मेरा नाम हाजी भाई मौला साहब फुलारी, ये हमारे खादिम हैं आसिफ फैजुद्दीन मुजावर, दरगाह के खादिम हैं। आसिफ भाई, कुछ बताएंगे कि ये दरगाह कितनी साल पुरानी है और इस दरगाह में क्या मान्यता है, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हजरत हाजी ख्वाजा हाजी सैफुल मलिक चिश्ती रहमतुल्लाह है बरकात, 555 हिजरी है इनकी। ये बहुत बड़ी हस्ती है, अजमेर वाली सरकार से पहले आई हुई हस्ती है। यहाँ पर जो भी कुछ मुरादी आता है खाली सरकार के दर से आज तक कोई चले नहीं गए उसको। या शैतान हो, भूत हो, प्रेत हो, बीमारी, जैसी भी जो हालत में आता है, जो भी मकसद लेकर आए सरकार के दर पे, हर मकसद कामयाबी हो जाता है सरकार। यहाँ पर आज 27वीं साल है ये उर्स सरकार का आस्थाने में। ये आज इफ्तारी का वक्त है। सब लोग यहाँ पर जो भी आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी रोज़ा रहते हैं, इफ्तारी के लिए सब इंतज़ाम, सब लोग बाहर के आए हुए लोग हैं, गांव के लोग हैं, मिलजुल कर यहाँ पर सरकार के दरबार में। और हमारे जो भाई है मुंबई से हैं, इनकी जो औरत की तबीयत इतनी ख़राब थी कि हर दरगाह हर हॉस्पिटल घूमे तो कम नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे लेकर हजरत हाजी सैफुल मलिक दरगाह पे, यहाँ पे कम हुआ। सरकार के पास आया मैं, मेरी औरत माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। सरकार का ऐसा करम है कि कोई खाली हाथ नहीं जाता है, बस यकीदे की बात है। यकीदे से आएंगे, हर चीज़ पाके जाएंगे। अगर यकीदा नहीं पाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, जोगेश्वरी ईस्ट में, गया सुद्दीन शेख नाम है मेरा, मेरी वाइफ का नाम है जाकिरा बानो। खाने का इंतजाम सुबह और शाम दो टाइम यहाँ पर इसके तरफ से मिलाया जाता है। लोग जो आते हैं उनको खाने का कुछ लंगर का इंतजाम है यहाँ पर, और हज़ारों बकरे कटते हैं, लोग खाना बनता है, लोग को न्याज बनाते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए तबरुक कोई मना नहीं है। यहाँ मिलता है मांग के खाने में, जहाँ पर फैज है सरकार के दर पर। बॉम्बे से आएंगे तो अक्कलकोट स्टेशन रुकना चाहिए, वहाँ पर ट्रेन रुकती है, वहाँ से उतर के गाड़ी पकड़ के फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी पकड़ के यहाँ पे आना चाहिए। और बेंगलोर से आएंगे तो भी आप अक्कलकोट स्टेशन आना चाहिए, और आप गुलबर्गा से भी आ सकते हैं। गुलबर्गा यहाँ से 90 किलोमीटर है, शोलापुर यहाँ से 80 किलोमीटर है। आप है ना शोलापुर उतर कर आ सकते हैं, आपको जैसा समझे वैसा है। यहाँ पे आने के लिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, कभी भी आ जाइए। यहाँ पे रूम का इंतजाम है, लॉटरी का इंतजाम है, नहाने का इंतजाम, नहाना यहाँ पे है ना बहुत ज़रूरी है। हजरत ख्वाजा हाजी सैफुल मलिक दरगाह पे आने के बाद में पानी में इतनी बड़ी ताकत है, तासीर है। लींबू यहाँ पे है ना सरकार के रोज़े पे लगा कर लींबू लेके नहाएंगे तो 70 बला दूर हो जाती है, एकीदा है, ज़रूर ज़रूर हो जाता है। मेरे
वे 40 उम्र में अभी तक कुइयां से खाली नहीं गए। हमारे अब्बा, मेरे खुद के अब्बा की तबीयत खराब थी, तो हम यहाँ 5 महीने दरगाह में लेकर रूम वगैरह लेकर रखे थे। यहाँ पर मांग के खाना पड़ता है। हम लोग पेशेंट जो बोल के आते हैं ना, जिसकी तबीयत खराब रहती, शैतान भूत कर्मी जो भी लगता है, वो बोला मांग के खाना पड़ता है। पका के खाएंगे तो जल्दी नहीं कम होता। मांग के खाना जरूरी है, मांगना ये पहले से परंपरा है। मांग के खाएंगे तो अच्छी रहती है, तबीयत अच्छी हो जाती है। शुक्रिया।